दोस्तों नमस्कार। लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य क्या होगा, किस प्रकार से काम होने वाला है, हमारे लिए क्या अवसर है, क्या हमारे लिए खतरों वाला और एक खतरनाक टाइम आने वाला है, सो इस विषय पर मैं आज आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, ये तो तय है कि लॉकडाउन के बाद में जब एक सामान्य जीवन स्टार्ट होगा तो वो पहले जैसा जीवन नहीं रहने वाला है। बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, लोगों की सोच में बदलाव आएगा, काम धंधे में बदलाव आएगा, बहुत सारे बिजनेस में उतार चढ़ाव होने वाला है। जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है लॉकडाउन के बाद में बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाली है, और उसमें जो सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है टूरिज्म सेक्टर पे। सो टूरिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, एविएशंस हैं, और होटल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, चाहे कोई गाइड का काम करते थे, टैक्सी टूर ट्रैवल वाले जो लोग हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। अप्रैल महीने में मारुति और हुंडई जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एक गाड़ी भी वो सेल नहीं कर पाए हैं। सो गाड़ियों की जो रिक्वायरमेंट है वो कमी होने वाली है, और जब रिक्वायरमेंट कम होगी तो नेचुरली वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, उस बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ जाने वाली हैं। और ऐसे लगभग 20 सेक्टर हैं जो बुरी तरह से प्रभावित होंगे। और वैसे भी मंदी की एक आहट पूरी दुनिया में देखने को मिल रही थी, और इस COVID-19 की महामारी ने उसको और बढ़ा दिया है। हर देश की सरकार, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो हिंदुस्तान है, बड़े बड़े पैकेज लेके आ रही है ताकि लोगों में हौसला बना रहे और इकोनॉमी को पटरी पे लाया जाए, लेकिन ये शायद उतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो सारी परिस्थितियाँ हैं ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि स्पेशली हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग के लिए पहले से बहुत बड़ा स्कोप है। वर्ल्ड वाइड जो टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी इस समय अमेरिका की है, लगभग 18%, और हिंदुस्तान की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। सो ऑलरेडी हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप था, और दो तीन चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर कोविड-19 की अगर हम बातचीत करें, एक तो इस समय ये जो माहौल है पिछले 2-2.5 महीनों से पूरे देश में, इसकी वजह से लोगों में हेल्थ को लेके अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक डायरेक्ट सेलर जब बात करता था अपने प्रोडक्ट के बारे में, और स्पेशली वेलनेस प्रोडक्ट की जो वो बातचीत करता था, वो न्यूट्रिशंस की बातचीत करता था, वो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने की बातचीत करता था, सो वही सब बातें जो एक डायरेक्ट सेलर करता था वो बात आज WHO कर रहा है, वो ICMR कर रहा है। सो वो हमारे लिए बहुत आसान होने वाली हैं वो चीज़ें। कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट थे वो लोगों की चॉइस होते थे कि वो उसको ले ना लें, लेकिन अब वो लोगों की मजबूरी बनने वाले हैं। सो बहुत सारे लोग उस प्रकार के प्रोडक्ट खरीदेंगे। सो डायरेक्ट सेलर को एक तो बहुत सारे कस्टमर मिलने वाले हैं, बहुत सारा वॉल्यूम उनका होने वाला है। और बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट ये बता रही है कि हर इंडस्ट्री में से करोड़ों लोगों को नौकरियाँ जाने वाली हैं, और डायरेक्ट सेलिंग का मॉड्यूल इस प्रकार से इतना बेहतरीन मॉड्यूल है कि यहाँ पे सब कुछ समा सकता है। मतलब कितने भी लोग इस बिजनेस में आ सकते हैं, कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है। सो ये इंडस्ट्री सबका स्वागत करने के लिए तैयार है। अब बहुत सारे लोगों की जो नौकरियाँ जाने वाली हैं वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होंगे, और अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ में जाके उनसे बातचीत की, आपने आंकड़े दिखाए और आपने उनको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कोई टाइम पास करने वाली बात नहीं है, ये एक करियर अपॉर्चुनिटी है, और एक इतनी बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाभ देगी और आपके बाद आने वाली जो जनरेशन है उसको भी इस इंडस्ट्री से बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। सो अगर आप खुद कन्विंस हैं इन चीज़ों को, अगर आप सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करेंगे, सो वो व्यक्ति आपके साथ में निश्चित रूप से जुड़ जाएगा, और ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग आपके पास में आने वाले हैं, आ सकते हैं, इतना बड़ा स्कोप आपके लिए आने वाला है। सो जरूरत इस चीज़ की है कि उसकी तैयारी आप आज से ही करें, आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट को एक बार रिवाइज करें, और स्पेशली वो सेक्टर जो प्रभावित होने वाले हैं COVID-19 से, उन सेक्टर्स में जो लोग हैं उनको एक बार दोबारा से आप अपनी हॉट लिस्ट में लेके आएँ, उनसे थोड़ा बातचीत शुरू करें, और अभी से आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। जूम के माध्यम से उनको आप लाइन पे ले सकते हैं, आप प्रोडक्ट का डेमो कर सकते हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आप शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ में जूम के ऊपर में बिल्कुल सेमिनार के पैटर्न पर मीटिंग्स रहती हैं, सो आप उनको वहाँ पर आमंत्रित कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा टाइम है एक बड़ी एनर्जी अपने अंदर में भर के बड़ा काम करने के लिए।
सो इन सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में लीजिए, और निश्चित रूप से ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है। जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात की जाएगी, और जब आप डायरेक्ट सेलिंग का एक ग्राफ देखेंगे कि ये पहले क्या था और ये किस स्पीड से बढ़ा है, तो आप ये याद रखिएगा 2020 के बाद में इसकी स्पीड बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ती हुई आपको आने वाले टाइम में दिखने वाली है। लेकिन उसका लाभ वही लोग ले पाएंगे जो इस बिजनेस के विजन को समझते हैं, जो इस इंडस्ट्री की पावर को समझते हैं, और आज इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में वो लोग लेके आने वाले हैं। सो इस उम्मीद के साथ में कि ये इंडस्ट्री बढ़ेगी और इस इंडस्ट्री में आपकी हिस्सेदारी बढ़े, आप इसको बहुत गंभीरता से लें और बहुत एनर्जी के साथ में लोगों से बातचीत करना शुरू करें, लोगों के बीच में जाएं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ओल्ड इंटरव्यूज करके आप देखेंगे कि अब तक हमारे जो लगभग 70 इंटरव्यू आ चुके हैं, सो वो सारे लिस्ट में एक वन बाय वन आपको वो दिखाई देने वाले हैं। सो हर तरह के लोगों को हमने आमंत्रित किया है, डायरेक्ट सेलिंग के दिग्गज लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, उनके इंटरव्यूज आप वहाँ पे देख सकते हैं। और जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, बड़े बड़े नाम, चाहे संतोष नायर साहब हैं, चाहे राजेश टैगोर हैं, राजेश अग्रवाल हैं, हर्षवर्धन जैन, दीपक बजाज, हिमेश मदान, टीएस मदान, सुमित चौहान, इस प्रकार के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो सारे नाम हमारे चैनल पे आए हैं। उनके इंटरव्यूज ऑलरेडी वहाँ पे हैं, आप उनको देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे पास में आए हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा काम किया, चाहे मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब हैं जिनका हमने 25वां इंटरव्यू लिया था, गोल्डन जुबली एपिसोड था, 50वें एपिसोड में हमारे पास में हेम कुमार पांडे साहब थे, फॉर्मर सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री, बिजोन मिश्रा जी हमारे बीच में आए जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। सो वो सारे के सारे इंटरव्यूज़ प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, सो आप उनको देख सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उन हर व्यक्ति को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं जिनको उनका लाभ हो सकता है। धन्यवाद आप सबका इसी प्रकार से, आपके अपने इस फेवरेट चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स को इसी प्रकार से प्यार देते रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप बहुत सारे कामयाब लोगों के इंटरव्यूज आप मिस कर रहे हैं और आगे आप मिस नहीं करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। एक बार फिर आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी प्रमोशन के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक के लिए, आपके सब्सक्राइब के लिए, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।